press the bell icon on the YouTube app and never miss an. हम लोग पाकिस्तान के मेजॉरिटी वहां की माइनॉरिटी से जिस तरह से बिहेव करती है उसको इंडिया की मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी से जिस तरह बिहेव करती है, इन दोनों चीजों को एक्चुअली कंपेयर नहीं करा जा सकता। अब इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं और आप इसको एक रिमार्क भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को बस कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर हम इन दोनों की हैंडलिंग को टुवर्ड्स योर माइनॉरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लॉजिक को डिससर्विस करेंगे, विच आई रियली डोंट वांट टू डू। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? देखिए बड़ी आसानी से एक बात बता दूं, जब दो कुनबे होते हैं, हमारा एक कुनबा है भारत हिंदुस्तान, आपका एक कुनबा है पाकिस्तान, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस मंच पे बुला लिया है तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जो यहाँ की पब्लिक को अपील करे या पाकिस्तानियों को बुरा लगे। नो, ये मेरा कभी एटीट्यूड नहीं रहता, यू नो दैट, आपकी मुझसे शायद दो बार बात हो चुकी है। देखिए हमारे दो कुनबे हैं, अगर एक कुनबे में दूसरे कुनबे का कोई आदमी आके किसी को कत्ल कर देता है तो जिस कुनबे का आदमी कत्ल होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी ये जिम्मेदारी है कि दूसरे कुनबे से वो दूर रहे। अब जरूरी नहीं कि दूसरे कुनबे का हर आदमी कातिल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहती है कि भैया तुमने हमारे कुनबे का एक भाई को कत्ल किया है, एक भाई को, इसलिए हम तुमसे दूर रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। ये बात आप भी सोच सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानियों को, इनोसेंट पाकिस्तानियों को मरवाया, तो आप भी ऐसा सोच। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। ये आपकी लिबर्टी है, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस माय ओपिनियन ओवर यू। तो ये बात हुई एक कत्ल की। मेरा ये मानना है कि सन 50 के बाद अगर हम सारी जंगें देख लें, हम कारगिल देख लें, हम पंजाब का टेररिज्म देख लें, हम कश्मीर का टेररिज्म देख लें, हम भारत में जो टेररिज्म हुआ उसको देख लें, तो हमारे फौजी मिला के, हमारे बेगुनाहों को मिला के, कश्मीरी भाइयों को मिला के, पंजाबी हिंदुओं को बुला के, सबको मिला के कम 1.5 लाख हमारे कुनबे के ऐसे भाई हैं बेगुनाह, जिनको मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की वजह से कत्ल किया गया है। सो आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एक कुनबे का आदमी दूसरे कुनबे के आदमी को कत्ल करेगा और मेरी यहां कोई शादी होगी तो क्या मैं कत्ल करने वाले कुनबे से ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाऊंगा अपने अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए? भले ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई भी कातिल ना हो लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। तो भारत मेरा कुनबा है, मैं ये मानता हूं कि आपके कुनबे ने मेरे कुनबे के बेगुनाहों का कत्ल कराया और करवाया है, इसलिए आपके कुनबे से हर तरीके से मैं पर्सनली तौर पे एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन मुस्लिम दूर रहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके स्टार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके कलाकार से भी दूर रहना चाहता हूं, आपके क्रिकेटर से भी दूर रहना चाहता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, वेरी गुड, लेकिन अगर मेरी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि किसी भी कंडीशन में आपके कुनबे का आदमी हमारे कुनबे में नहीं आएगा तो आई विल ऑलवेज वेलकम इट। और दूसरी बात, एक दूसरा ऑप्शन भी आपको देता हूं, अगर किसी आपके कलाकार को भारत आना है तो माय गवर्नमेंट शुड हैव अ सिंपल पॉलिसी कि आप आइए या परफॉर्म करिए, पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया एक ग्लोब है, इट इज एन ओपन वर्ल्ड नाउ, लेकिन एक इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपका कोई भी जब यहां कलाकार आएगा ही शुड एडमिट कि यस पाकिस्तान नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेरर। अगर वो ये बात बोलता है वी कैन वेलकम हिम, अगर वो नहीं बोलता है तो वी शुड नॉट वेलकम हिम। मेरी ये एटीट्यूड पिछले 20 साल से है और चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, मेरी इन दोनों गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है कि पाकिस्तान को हम लोग उस तरह हैंडल नहीं करते जिस तरह उस कुनबे को करना चाहिए जिसने हमारे कुनबे के 1.5 लाख आदमी शहीद किए हैं।
मैं माफी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर जो भारत में है वो कोरोना विरोध से ज्यादा मोदी विरोध करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी उनको, जैसे हमारे यहाँ पे एक सूबे के मुख्यमंत्री रहा करते थे, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन, अब किसी और ने कहा कि इस वैक्सीन से नपुंसक इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, अब कोई और अपनी थियरी दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग है, टाइप के लोग है, जो कि एक सबलिमिनल फियर्स जो होते हैं कुछ लोगों में, उनको केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए या अपने धर्म के नाम पर राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए इस तरीके की अनर्गल अफवाहों को हवा देते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका इतना दुष्परिणाम, मतलब लॉन्ग टर्म इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे भारत में पोलियो ड्राइव हुआ था, माफी से कहना चाहूंगा, इसी तरीके के लोगों ने एक भ्रम फैलाकर मुस्लिम समाज के कई लोगों को ऐसे भड़काया था कि कई लोग उस वैक्सीन को नहीं ले रहे थे अपने बच्चों के लिए, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा मुसलमानों को। तो आज भी जो लोग इस तरीके का की कैंपेन चलाते हैं, उन्होंने कभी वैक्सीन कैसे बनती है, कौन सी वैक्सीन एमआरएनए है, या कोई वैक्सीन एडिनो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, किस तरीके से उसकी एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है, लैंसेट में उसका पीयर रिव्यू हुआ है, उनको इन चीजों से कोई समझ नहीं है। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ने सारी चीजें देखकर क्लियर की है, सभी के लिए क्लियर की है, उसमें कोई ऐसी शंकाएं भी नहीं है, और ना वो जो तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं वो भी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने क्लैरिफाई किया है। तो उसके बावजूद भी अगर ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मिस्चेवियस एलिमेंट्स है, और उनको समझना होगा कि पब्लिक हेल्थ पर इस तरीके का मिस्चिव और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, और कम से कम धर्म के नाम पर। मैं खुद, मैं मुसलमान हूं, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर ऐसा मौका आता है कि जान बचाने के लिए अगर पोर्क कंज्यूम करना पड़े, तो कुरान में जो लिखा है वो आप और मैं दोनों जानते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से तो है नहीं कि अगर कोई चीज आपकी जान बचाने वाली है, पहले तो उसमें है ही नहीं पोर्क, पर जो आप अगर ये अप्लाई भी कर दे कि अगर उसमें है भी, तब भी कुरान क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है वो बड़ा क्लियर है। तो फिर भी अगर किसी को बहकाना है, भड़काना है, और सिर्फ इस कोरोना के वैक्सीन ड्राइव को फेल करना है, भारत का वैक्सीन ड्राइव जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ड्राइव है। 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करने वाले हैं, 3 करोड़ को पहले फेज में, फिर 27 करोड़ को जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, खासकर जब उनको इस विषय पर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। बिल्कुल, लेकिन शहजाद एक चीज है कि ये इस तरह की बातें जो हैं, जो कि चाहे वैक्सीन के अगेंस्ट की जाए या कुछ, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही आती है, भारत में स्पेशली। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर जो मुस्लिम्स रहते हैं वो बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, एजुकेशन वाइज बहुत पीछे हैं, हायर एजुकेशन और जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहां पे बहुत कम मुस्लिम्स हैं, क्या इसकी वजह एक एजुकेशन है, और क्यों मुस्लिम्स एजुकेशन में भारत में पीछे हैं, क्यों हम उनको उसी लेवल पे नहीं देखते जहां बाकी लोग खड़े हुए हैं, उस जगह क्यों नहीं है? देखिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल क्यों भड़काया जाता है इस तरीके के रूमर से, इसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी का दोष नहीं है, पर मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर जो हम कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है भारत में, तुष्टिकरण कहते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजिंग अ कम्युनिटी टू प्ले टू देयर फियर्स, टू प्ले टू देयर इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली, नॉट इन अ सेक्युलर मैनर बट इन अ वेरी इस्लामिस्ट कम्युनल मैनर। तो वो पॉलिटिक्स जो कुछ पार्टियां यहाँ पे तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज करती हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उन पार्टीज का दोष है। अगर आप देखें जो बयान आए हैं वैक्सीन को लेकर, नेगेटिव बयान और हाईली इलॉजिकल बयान, वो सारे बयान उन्हीं सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज क्या है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो इस तरीके के जो पार्टीज है जो
इस वोट बैंक को केटर करना चाहती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जरिए, वही ये चीजों को, इन थियोरीज को आगे बढ़ा रही है या उन ग्रुप्स को पेट्रोनेज दे रही है जो इन अनर्गल रूमर्स को फैला रहे हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है मुसलमानों से वोट लेने का, वो यही रहा है कि ए मुसलमानों, तुम गरीब रहो, तुम अशिक्षित रहो, यू स्टे अनएजुकेटेड, यू रिमेन पुअर, यू रिमेन इलिटरेट, यू रिमेन आउट ऑफ द पोलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, आपको हम एक गेटो में, एक एक स्लम में रखेंगे, आपको एक साथ इकट्ठा रखेंगे और आपको हम डर दिखाएंगे, देखो वो हिंदू आ रहा है आपको मार देगा, देखो वो आरएसएस वाला आ रहा है वो मार देगा, देखो मोदी आ रहा है मोदी मरवा देगा, इंजेक्शन लगा के मरवा देगा। इस तरीके का फियर साइकोसिस क्रिएट करके उनका वोट लेने की सिर्फ राजनीति 60 70 साल में हुई है हमारे यहाँ पर। तो इसकी वजह से उनके एजुकेशन, उनकी माली हालत, उनके बाकी स्टेटस को उठाने के लिए कोई राजनीति कभी नहीं हुई है। अगर हमारे यहाँ पे एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में मुसलमान बंगाल में रह रहा है या उन प्रदेशों में, उन स्टेट्स में रह रहा है जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।